हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी दो नंबर के बीच का मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे निकालते हैं। तो ये प्रोग्राम में लास्ट वीडियो में बताया था कि किसी भी नंबर का टेबल कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, अगर हम 5 इंटर करते हैं तो ये 5 का टेबल डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम में बताऊंगा कि हमने जब इंटर करेंगे 5 और दूसरा नंबर इंटर करेंगे 10, तो 5 और 10 के बीच का जो भी नंबर होगा उसका टेबल डिस्प्ले होना चाहिए। तो चलिए इस प्रोग्राम को और डिलीट करते हैं। तो इसके लिए हमको दो नंबर इंटीजर टाइप वेरिएबल चाहिए, n1 कॉमा n2, उसके बाद i कॉमा k, और यहाँ पे प्रिंटर फंक्शन हम लिखते हैं। तो यहाँ पे मैसेज आउटपुट स्क्रीन में डिस्प्ले कराना है, एंटर टू नंबर्स। उसके बाद स्कैनर फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं, तो परसेंटी और दो टाइम दे रहे हैं, एक n1 के लिए और दूसरा n2 के लिए। उसके बाद यहाँ पे इफ n2 greater than n1, अगर ये कंडीशन रहा तो k इक्वल टू n1 होगा। और यहाँ पे प्रिंटर फंक्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, टेबल स्लैश n। उसके बाद यहाँ पे फॉर लूप और यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आई का वैल्यू स्टार्ट होगा 1 से, आई लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 10 देते हैं और आई प्लस प्लस। उसके बाद एक और फॉर लूप लिख रहे हैं, फॉर n1 और यहाँ पे n1 कंडीशन दे रहे हैं, n1 लेस देन इक्वल टू एंटर और यहाँ पे n1 प्लस प्लस। यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिख रहे हैं, तो यहाँ पे परसेंटी और स्लैश टी और यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं n1 इंटर आई और यहाँ पे n1 इक्वल टू के और यहाँ पे प्रिंटर फंक्शन एक और फिर यहाँ पे स्लैश n। तो यहाँ पे n2 ग्रेटर देन n1 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सही नहीं आता है तो हम else पार्ट में जाते हैं और यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, प्रिंटर फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं एंटर सेकेंड नंबर एंटर मस्ट बी ग्रेटर देन n1। तो ये है कोड जिससे हम किसी भी दो नंबर के बीच का और टेबल डिस्प्ले कराएंगे। चलिए एक्सक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर हम दे रहे हैं 4 और दूसरा नंबर 9। तो ये देखिए 4 से 9 के बीच का और टेबल यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। ये 4 का टेबल है, ये 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। और यहाँ पे अगर हम इंटर करेंगे 2 8, ये देखिए 2 से 8 का टेबल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर मान लिया कि यहाँ पे n1 हम ग्रेड देते हैं, n1 का वैल्यू हम देते हैं 9 और n2 का वैल्यू देते हैं 4, तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर रहा है एज पार्ट में गया, सेकेंड नंबर n2 मस्ट बी ग्रेटर देन n1।
तो ये है कोड जिससे दो नंबर के बीच का हम टेबल डिस्प्ले कर सकते हैं। आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये प्रोग्राम कैसे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे मैंने कोड पेस्ट किया है, तो अगर आप इस प्रोग्राम को डिबग कीजिएगा तो कंट्रोल सबसे पहले मेन फंक्शन पे जाएगा। तो यहाँ पे मैंने चार वेरिएबल लिए हैं, पहला है n1, दूसरा है n2, उसके बाद i और k। उसके बाद प्रिंटर फंक्शन है, तो जो कुछ भी डबल कोट के अंदर है वो आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। परसेंट डी, तो ये परसेंट डी n1 के लिए है और ये परसेंट डी n2 के लिए। तो यहाँ पे हम n1 का वैल्यू लिखते हैं 5 और n2 का वैल्यू लिखते हैं 8। तो यहाँ पे चेक करेगा इफ n2 ग्रेटर देन n1, तो 8 ग्रेटर देन 5 जो कि सही है। तो यहाँ पे n1 का वैल्यू k में जाएगा, तो n1 है 5, तो 5 k में जाएगा। उसके बाद यहाँ प्रिंटर फंक्शन, तो जो भी डबल कोट के अंदर है वो डिस्प्ले करेगा टेबल, और फिर स्लैश एंड देन कर्सर न्यू लाइन में ब्लिंक करेगा। यहाँ पे आई का वैल्यू स्टार्ट होगा 1 से, चेक करेगा 1 लेस देन इक्वल टू 10 जो कि सही है। तो यहाँ पे फॉर n1, तो n1 का वैल्यू यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे चेक करेगा 5 लेस देन इक्वल टू n2 का वैल्यू है 8 जो कि सही है। तो यहाँ प्रिंट अप करेगा n1 इंटू 1 n1 इंटू आई, n1 वैल्यू है 5, 5 इंटू 1 वैल्यू होगा 5 प्रिंट करेगा। उसके बाद इनर फॉर लूप कंटिन्यू होगा, तो यहाँ पे n1 इंक्रीज हो जाएगा, तो n1 यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो n1 का वैल्यू है 5, 5 से ये 6 हो जाएगा, चेक करेगा 6 लेस देन इक्वल टू 8 जो कि सही है। तो यहाँ पे अंदर जाएगा, तो यहाँ पे n1 इंटू आई, तो 6 इंटू 1 यहाँ पे डिस्प्ले करेगा 6। उसके बाद ये n1 फिर से इंक्रीज होगा, तो n7 होगा, चेक करेगा 7 लेस देन इक्वल टू 8 जो कि सही है। तो यहाँ पे फिर अंदर जाएगा, तो यहाँ 7 इंटू 1, तो ये 7 डिस्प्ले करेगा। उसके बाद n1 का वैल्यू इंक्रीज होगा, तो n1 यहाँ पे 8 होगा, और चेक करेगा 8 इंटू वैल्यू एल्सो 8 है, 8 इक्वल टू 8 जो कि सही है। तो यहाँ n1 इंटू आई, तो 8 इंटू 1 यहाँ पे 8 डिस्प्ले होगा। उसके बाद n1 का वैल्यू इंक्रीज होगा, तो n1 यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक करेगा 9, n1 का वैल्यू है 9, n2 वैल्यू है 8, तो जो कि कंडीशन नहीं सही नहीं है। तो इसके बाद k का वैल्यू जाएगा n1 में, k का वैल्यू है 5, 5 जाएगा n1 में, तो फिर n1 का वैल्यू 5 हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट ऑफ स्लैश एंड देन कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करेगा, उसके बाद ये अपर फॉर लूप में जाएगा, तो i का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 10 जो कि सही है, तो n1 का वैल्यू 5 होगा, और यहाँ पे चेक करेगा 5 लेस देन इक्वल टू n2, तो n2 का वैल्यू 8 है जो कि सही है। तो यहाँ पे जाएगा, तो n1 इंटू आई 5 इंटू 10, तो इस टाइम ये 10 डिस्प्ले करेगा। उसके बाद स्लैश टी कर्सर यहाँ ब्लिंक करेगा, उसके बाद n1 का वैल्यू हो जाएगा 6, चेक करेगा 6 लेस देन इक्वल टू n2 वैल्यू 8, तो यहाँ पे n1 इंटू आई 6 इंटू 2 ये हो जाएगा 12, और n1 यहाँ पे इंक्रीज करेगा, तो n1 का वैल्यू हो जाएगा 7, चेक करेगा 7 लेस देन n2 वैल्यू 8 जो कि सही है। तो 7 यहाँ पे n1 का वैल्यू 7, आई 2, तो 7 इंटू 2 14। फिर यहाँ से n1 का वैल्यू इंक्रीज होगा, तो n1 यहाँ पे 8 हो जाएगा, चेक करेगा 8 लेस देन इक्वल टू n2 वैल्यू आल्सो 8, तो 8 इक्वल टू 8 कंडीशन जो कि सही है। तो यहाँ पे n1 इंटू 1, तो 8 इंटू 2 यहाँ पे ये वैल्यू 16 हो जाएगा। उसके बाद n1 का वैल्यू हो जाएगा 9 जो कि 9 हो जाएगा, और यहाँ पे चेक करेगा 9 लेस देन इक्वल टू n2 वैल्यू 8 है जो कि सही नहीं है। तो ये आउट जाएगा फॉर लूप, इनर फॉर लूप से यहाँ पे k का वैल्यू n1 में फिर जाएगा, तो n1 का वैल्यू 5 हो जाएगा फिर, और यहाँ पे प्रिंट ऑफ स्लैश एंड देन कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करेगा। उसके बाद ये ऊपर जाएगा, आई का वैल्यू ये इंक्रीज कर देगा, तो इस तरह से लूप कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट टाइम ये प्रिंट करेगा 5 यहाँ पे, 15 प्रिंट करेगा यहाँ पे, 18 प्रिंट करेगा यहाँ पे, 21 प्रिंट करेगा यहाँ पे, 24 प्रिंट करेगा। तो इस तरह से
आई का वैल्यू इंक्रीज होगा और ये वैल्यू भी अलग अलग प्रिंट करेगा। जब आई का वैल्यू यहाँ पे 11 हो जाएगा तो 11 लेस देन इक्वल टू 10, और जो कि कंडीशन 11 लेस देन इक्वल टू 10 जो कि कंडीशन सही नहीं है तो ये प्रिंट और ये फॉर लूप से आउट हो जाएगा। और उसके बाद इफ कंडीशन सही है तो ये एल्स पार्ट में नहीं जाएगा। तो ये प्रोग्राम यहाँ पे 50 डिस्प्ले करेगा, उसके बाद ये होगा 60, यहाँ पे 70 और ये होगा 80। तो आई के वजह से यहाँ पे वैल्यू चेंज होगा, इस तरह से होगा 18, 83, 24। इसके बाद यहाँ पे 5 × 4 = 26 × 4 = 24, इस तरह से ये आगे बढ़ते रहे। तो ये ड्रायड मेथड और स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन कहते हैं जिसको। तो ये है, इसमें एक को अपर फॉर लूप है, एक इनर फॉर लूप। तो चलिए हम इंटर करते हैं n1 का वैल्यू 5 और n2 का वैल्यू 8। तो ये देखिए ये आउटपुट डिस्प्ले। तो यही लॉजिक है इस प्रोग्राम का। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत है इसको समझने में तो आप प्लीज़ इनबॉक्स और कमेंट कीजिए इस वीडियो को। तो आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में। थैंक यू।